तो प्यारे बच्चों, ये पठन कौशल के पांचवी वीडियो है। इसमें हम बताएंगे कि पठन कौशल करते समय बच्चा कौन कौन सी गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं। तो लीजिएगा बेटे, सबसे पहले देखिए इसमें पठन की सामान्य त्रुटियां या कमियां। पठन करते समय छात्र जो सामान्य कमियां या गलतियां करता है वे इस प्रकार है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, अशुद्ध उच्चारण करता है, अर्थात कोई भी शब्द है उसको पढ़ते समय वो अशुद्ध पढ़ता है। जैसे शब्द है या आपके सामने है, तो इसको ज्यादातर बच्चे क्रिया पढ़ते हैं जबकि ये क्रिया है। कईयों को पता ही नहीं है कि भी ये क्रिया है, वो क्रिया पढ़ते हैं, उस मात्रा को कै पे पढ़ते हैं जबकि मात्रा रा पे है। तो इसके बाद है अनुचित पठन गति। पठन की जो गति है क्या होता है, अभ्यास होता नहीं पढ़ने का बच्चे का, जो पढ़ने की फिर जो गति है उसमें पहले वो स्पीड पकड़ता है, उसके बाद अगर कोई कठिन या मुश्किल शब्द आ जाता है तो फिर वो उसमें रुक जाता है एकदम, उसको जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये कमी है कि भी अनुचित पठन गति, कि एक जैसे लहजे में पढ़े, बिल्कुल एक भाव के साथ पढ़े, मजा आएगा सुनने वाले को भी अच्छा है पढ़ता है ये। और उसके बाद क्या होता है बेटे, अगली जो कमी है वो अटक अटक कर पढ़ता, अर्थात बच्चा बगैर प्रैक्टिस के अगर उससे सहसर पठन नहीं कराते तो ऊपर इसमें बीच बीच में अटक जाता है, हर एक शब्द पे काफी देर तक अटका रहता है, एक एक दो दो मिनट भी लगा रहता है कई बार बच्चा पढ़ते समय, इतना अटक जाता है क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं, अटक अटक के कठिन शब्द से पढ़े नहीं जाते। तो ये बेटे पठन की ना त्रुटियां हैं, कमियां हैं। आगे देखिएगा और भी है, अनुचित मुद्रा, कि पढ़ने समय जैसे मान लो बात कोई जोश की पढ़ रहा है लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल ढीला हो रखा हो, तो जैसी पठन सामग्री का पठन किया जा रहा है वो मुद्रा अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उस शरीर के हाव भाव वैसे ही होने चाहिए जैसे वो पठन सामग्री है। जोश की है तो जोश के, खुशी की है तो खुशी के, हैरानी के है तो हैरानी के भाव। उसके बाद है अनुचित पठन शैली में पठन करना, वही बात है कि भी अनुचित जो पठन शैली है उसमें पठन करना, पठन करने की जो शैली है, जो ढंग है, वो उसको पता ही नहीं रहता कि भी कविता को हम किस उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि कविता अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेटा वो गीत एवं नाट्य विधि में होनी चाहिए, गीत एवं नाट्य विधि, लेकिन उसको पता नहीं है कि भी गीत एवं नाट्य विधि में ना होकर कविता को भी ऐसे ही पढ़ देता है जैसे कहानी को पढ़ता है। इसके बाद क्या होता है, बिना अर्थ समझे पढ़ना, कि कई बार बच्चा बगैर अर्थ समझे पढ़ देता है। और इसका एग्जाम्पल है थ्री इडियट मूवी में वो शब्द बदल दिया था चमत्कार पे चमत्कार, तो बगैर अर्थ समझे पढ़ना भी एक तरह की कमी या त्रुटि है पढ़ते समय, क्योंकि पढ़ने की अगर आपसे कोई पूछता है पेपर में या सीटेट में पूछा जाता है कि पठन की शुरुआत कहां से होती है, तो पठन की शुरुआत प्यारे बच्चे अर्थ समझने से होती है, अर्थात बच्चे को अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि भी ये इसको ये बोलते हैं, अर्थात ये ध्वनि है, इसका ये है और ये इसका मीनिंग है, ये इसका उच्चारण है। तो प्यारे बच्चों, ये थी पठन की सामान्य त्रुटियां। अगली वीडियो में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, इस पठन कौशल को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।